नमस्कार प्राइम ओडिशा सहित मु अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस G20 सम्मेलनी रे भारत रो दबदबा गस्तर तृतीय दिन रे विभिन्न देश रो राष्ट्रमुख्यक स कथा हेले प्रधानमंत्री जर्मनी चांसलर आंजेला मर्केल ओ स्पेन प्रधानमंत्री क स भेटघाट महामारी अर्थनीति ओ जलवायु परिवर्तन उपरे मानस मंथन बीजेडी को ममिता आत्मा भय बीजेडी नेतांक मुहरे तुंडी प्रश्न कले मुह बुलाई पळाउछंती दलर हेवीवेट नेता छबिराणी अंजनांक बेले गोटे अभिमुख्य ममितांक बेले भिन्न मां को सम्मान कथा कहुथबा दलर हेवीवेट को नाही उत्तर सेबडे ममितांक न्याय दाबी रे जंतर मंतर जीवा को सजबाज हेउछि छात्र कांग्रेस मां को सम्मान र धज्जिया सरकार को विरोध रे आंदोलन करिबाउ करिवारु पुलिस तिरला महिलांक साड़ी ओ ड्रेस महिला नेत्री को पुलिस लगाई करागला क्षताक्त ब्रह्मपुर आंदोलनकारी तंटी चिपिला पुलिस आंदोलन समय रे बीजेपी और कांग्रेस महिला नेत्री को ये केमितिका व्यवहार प्रथमरु सप्तम श्रेणी पिलांक पई खूब शीघ्र खोली पारे स्कूल दीपावली परे जे कोनोसी समय रे सरकार नै परंत निष्पत्ति विद्यालय ओ गणशिक्षा मंत्री समीर दास को सूचना कहले कोरोना तृतीय लहर आसीबा संभावना कमी कमी आसिलानी तेनु स्कूल खोलिबा नै आसी पारे निष्पत्ति उड़ी पदारे पड़ा कमिश्नरेट पुलिस अपारगता केन्द्र गृहराष्ट्रमंत्री को सुरक्षा देवार विफल है कमिश्नरेट पुलिस प्रश्न कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थाई भी केमिति है केन्द्रमंत्री गाड़ी उपर अंडा माड़ एवं नयगढ़ समवाय स्काम कृषि मंत्री अरुण साहू निज निर्वाचन मंडल आसी समवाय केलेंकारी बड़ अभियोग चाषी को पखापाखि 6 कोटी टंकार चून लगाई अभियोग लुटि ने चाषी टंका पुणि पदारे पड़ा टाटार मनमानी टाटा कंपानी मनमुखी काम पर गुरुतर हेले वृद्धा शेषे न्याय पर ट्रली हेले बुहा मलकानगिरी अभावन घटना टंका पैठ पर भी टाटा कंपानी विद्युत काटि अभियोग मोदी सरकार समय रे गरीब लोकों सर्वाधिक गुरुत्व देश में चाषी हित और उन्नति समर्पित मोदी सरकार यूपी रे दलय बैठक रे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान बयान वल्लभ भाई पटेल जयंती में जनइले श्रद्धांजलि किसी समय पर टी20 विश्वकप एक मैच में भारत न्यूजीलैंड मुकाबला सेमीफाइनाल को जीवाई भारत प्रदर्शन उपर समस्त नजर देखिवा संपूर्ण खबर G20 समिट रे भारत रो पक्ष रखिले प्रधानमंत्री सबुठी जोरदार स्वागत टॉप देशर राष्ट्र मुख्यक स पीएम को आलोचना बैठक रो द्वितीय सेशन रे मुख्य प्रसंग रहितला जलवायु परिवर्तन ग्लास्को अभिमुखे बाहरिबा पूर्वरु प्रधानमंत्री स्पेन जर्मन चांसलर को सहित आलोचना करथिले G20 सम्मेलनी रे भारतर दबदबा चमकिले प्रधानमंत्री भारत को प्रशंसा करुछि विश्व समिटर द्वितीय सेशन रे प्रधानमंत्री मोदी गस्तर तृतीय दिन रे विभिन्न देशर राष्ट्र मुख्यक सह कथा होइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट परे अन्य देशर मुख्यक सह ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन पहुँचिथिले मोदी ग्लास्गो अभिमुखे बाहरिबा पूर्वरु जर्मनी चांसलर आंजेला मर्केल और स्पेन प्रधानमंत्री भेटघाट कोरोना काल में प्रथम थर सुजोग थिला जितेबले विश्वर प्रमुख नेता गोटे मंच में एकाठी होते महामारी अर्थनीति और जलवायु परिवर्तन उपरे होइथिला मानस मंथन एही अवसर रे मोदी देइथिले वन अर्थ वन हेल्थ मंत्र मोदी कहिथिले 150 रु अधिक देश में भारत मेडिकल सप्लाय करुछि सबडे समिट रे ग्लोबल लीडर को भेटिछंती मोदी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट रे मध्य मानस मंथन होइथिला एथिरे 2030 जाए 17 टी टार्गेट
244 इंडिकेटर यूनिवर्सल इन नेचर एवं विश्व पाई एक फ्रेमवर्क करिबा और सप्लाई चेन उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। इटाली परे ग्लास्गो रे प्रधानमंत्री कॉप 26 समिट रे भाग नेबे जेउठी मध्य जलवायु परिवर्तन रहिबो मुख्य प्रसंग। एथिरे 120 रु अधिक देशर नेता क्लाइमेट चेंज संपर्क रे मानस मंथन करिबे। एही गस्त बेले मोदी इज्राइल प्रधानमंत्री को सह आलोचना करिवार मध्य कार्यक्रम रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ममिता हत्या मामला और महालिंग जौन केलेंकारी अभियोग रे चुप बीजेडी हेवीवेट। गृहराष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र लिंक अभियोग आसुवा बेले बीजेडी नेता मुहरे तुंडी। बहुचर्चित छबिराणी घटनारे बिजु बाबू देते स्लोगान, अंजना मिश्र घटनारे भी बीजेडी करिथिला जोरदार आंदोलन। एवे किंतु ममिता पाई बदली आभिमुख्य, महिला सुरक्षा रे पछरे ओडिसा। सर गोटे पटे दिव्यशंकर मिश्र स्टेटमेंट दे सारी अच्छा राजनीति कर बीजेडी को ममिता आत्मा भय, बीजेडी नेता मुहरे तुंडी। प्रश्न कले मुह बुलाई पलाउछंती दलर हेवीवेट। छबि राणी अंजना बेले गोटे आभिमुख्य, ममिता बेले भिन्न। माँ को सम्मान कथा कहुवा दल पाखरे नाही उत्तर। अशी दशक बहुचर्चित छबिराणी गणदुष्कर्म और हत्या मामला बेले बिजु बाबू स्लोगान थिला छबिराणी आत्मा डाकरा देछि ओडिशावासी एक हो। एही डाकरा दे जानकी पटनायक सरकार को घेरी थिले बिजु बाबू। 1999 रे बहुचर्चित अंजना मिश्र घटना बेले बीजेडी रा नारा थिला जानकी देछि निर्यातना, कांग्रेस सरकार विरोध में जोरदार आंदोलन। आगरे थिले रणेन्द्र प्रताप स्वाई, प्रताप जेना, अरुण साहू, प्रमीला मल्लिक प्रमुख। एमितिक जानकी विरोध में आठगड़े अंजना को प्रचार मैदान को ओल्लैते राजा स्वाई। राजा निर्वाचन भी जीति प्रसंग करी। समय बदली, आभिमुख्य भी बदली। माँ को सम्मान, नारी सुरक्षा कथा कहुवा शासक दल को ममिता कथा पचारे मुह बुलाई पलाऊँ। देखंतु दलर हेवीवेट मानंक रिएक्शन। सर आ गोटे, सर आ गोटे प्रश्न, सर 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 गोटे पटे दिव्यशंकर मिश्र स्टेटमेंट दे सारछंती ता सोडा मते काई कोन कोन दिव्य कोन दिव्य आडे को बोलेला तमे याडे दरदाम को दिव्य जेबे अजता राजनीति करछि की मधु से माने केस करछंती। सर मैं गॉड ब्लेस यू। ओ हो हो बहुत दिन परे। बहुचर्चित ममिता हत्या घटनार मुख्य अभियुक्त हत्याकारी गोविंद मंत्री दिव्यशंकर मिश्र खास। ममिता बापा अभियोग आनी गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र महालिंग कॉलेज को जाऊ शारीरिक संपर्क रखा को। सेक्स स्कैंडल रे मंत्री संपृक्तिर अभियोग आसुचे। सारा राज्य में प्रतिवाद रिया, मंत्री बहिष्कार दाबी प्रतिदिन आंदोलन। सेबड़े बीजेडी किंतु घोषा स्वां को प्रेसमिट को छाड़ू आउ हेवीवेट मुहरे तुंडी। मंत्री प्रताप जेना हेलिकॉप्टर रे महालिंग कॉलेज को जाते चीफ गेस्ट हुई कहिले कैप्टेन का जीवन गोविंद हेले कॉलेज रो पिंधारी हेले प्रश्न कले से भी चुप। एक वर्षर बीजेडी शासन में टिकिरी कुंदुली पिपिली माधवीलता स्मिताराणी परी कहा को मिललानी न्याय। अनेक मामलें अपराधी को सुरक्षा देले शासक दल नेता मंत्री विधायक सांसद। नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो तथ्य कहूँ दंड विधान हार में ओडिशा तल आड़ द्वितीय आउ से प्रश्न पचारे मुहरे तुंडी। भुवनेश्वर रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गृहमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र विरोध में आंदोलन कले बाधुची कि पुलिस को। सरकार विरोध में आंदोलन करिबारु पुलिस चिरिला महिला साड़ी
ओ ड्रेस महिला नेत्री को पुलिस लगाई करागला क्षताक्त ब्रह्मपुर आंदोलनकारी तंती चिपिला पुलिस बीजेपी और कांग्रेस महिला कर्मी को काहिंकी पुलिस एपरी व्यवहार गोटेपटे सरकार महिला सम्मान कथा कहुता बेले महिला सम्मान धज्जिया उड़ाऊ खोद राज्य पुलिस आ पुलिस एपरी मात्राधिक व्यवहार कौन निज विभाग मंत्री को घंट घोड़ाइबापी कि बोली प्रश्न करिछंती बीजेपी और कांग्रेस पुलिस 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 लगाई देखो ड्रेस जो सरकार को उड़ीला मा को सम्मान धज्जिया सरकार को विरोध रे आंदोलन चिरिला महिला को साड़ी और ड्रेस महिला नेत्री को पुलिस लगाई करागला क्षताक्त नजर पकातु एही दृश्य उपरे नवीन निवास घेराव समय बीजेपी नेत्री मानको केमिति व्यवहार करुछि कमिशनरेट पुलिस केवल व्यवहार करिना ही बरंग साधारण संपादिका लेखा श्री सामंत सिंघार को केमिति ब्यारिकेड मध्यरे घेराबंदी करि रखा जाछि आ एही घटना लोकंक मनरु चाइनतिबा बळे कांग्रेस नेत्रीक समान व्यवहार होइतबा अभिजोग आसिछि एथर कांग्रेस नेत्री ड्रेस चिरिबा सह तांकर ओढणी को पुलिस नै जाइतिबार संकेत अभिजोग आ पुलिस मात्राधिक कार्यानुष्ठान एपरी व्यवहार को नहीं एवं सृष्टि अनेक प्रश्न गोटे पटे सरकार महिला सम्मान कथा कहता बेले कड़े कला महिला सम्मान नारा बोली प्रश्न करिछते विरोधी साड़ी चिरी आमको खंडिया करी रक्तक्त लहू लुहण करी सियाड़े गोविंद साहू को खसई दौ कौन प्रमाणित कर गब्बर खुश होगा शाबाशी देगा शाबाशी मिलेगा सबको शाबाशी मिलेगा थर्ड डिग्री कर पुलिस थर्ड डिग्री चल जे दोषी ताको खसिया को दौछंती से खसी जाय के रास्ता रे बोलो दिव्य शंकर मिश्रा पुरुष पुलिस लगे आगे देखंतु ड्रेस चिरबा सहित ओढणी नै जाइछंती एटा की प्रकार नारी के सम्मान की प्रकार नारी के सम्मान आगे जवाब मांगु छु हाय हाय जवाब दियो छु नवीन पण्डित हाय ताले ताले अंधार घरे केते जियंकर ओढणी काढु थिबे से माने अभिजोग आसी छि खुद गृहमंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र को नारे आउ काठगडा रे राज्य रे गृहमंत्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र मंत्री को इस्तीफा दाबी करी सारा राज्य चलुछि हेले खोद जिलापाल एसपी को सह केमिति खोला खोली बुलुछंति खोद मंत्री तापरे नजर पकातु आउ दिव्य शंकर मिश्र को पाई आंदोलन कले पुलिस केमिति व्यवहार करुछि ए दृश्य पर नजर ब्रह्मपुर दृश्य केमिति जड़े विक्षोभकारी पुलिस व्यवहार करुछि नजर पकातु काहीकी पुलिस रे एपरी व्यवहार पाई किए देछि निर्देश गोटे पटे सरकार मो पुलिस रो बाहासपट मारुतिबा बळे पुलिस रो एपरी व्यवहार कोन नीच विभाग रो मंत्री को घंट घोड़ाइबा पाई कि एनी प्रश्न उठाइछन्ति विरोधी ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज अध्यक्ष ममिता मेहर को न्याय प्रदान दाबी निरपेक्ष तदंत और मंत्री दिव्यशंकर को बहिष्कार दाबी करिछि छात्र कांग्रेस ममिता न्याय दाबी रे जंतर मंत्र जीवाकु सजबाज होउछि दल एहा सह नवंबर 6 और 7 तारीख रे दुई दिन काल अहरात्र राजभवन आगरे धारणा रे बसिबो प्रदेश युव कांग्रेस 8 तारीख रे राज्यपाल को भेटी राष्ट्रपति उद्देश्य रे स्मारक पत्र प्रदान करिवो 9 तारीख रु दिल्ली अभिमुखे यात्रा करी आवासिक कमिश्नर को कार्यालय सामना रे धारणा दबो कांग्रेस 10 रे जंतर मंतर विक्षोभ और प्रतिवाद कराजुए बोली युव कांग्रेस सभापति स्मृति लेंका सांबादिक सम्मेलन रे कहिछन्थे घटना घटिबार 20 दिन पर भी किछि पदक्षेप नेला नाही गृह विभाग नवीन निवास घेराव करागला और पुलिस महानिर्देशक दाबी पत्र दियागला किंतु किछि पदक्षेप नेले नाही साक्षी प्रमाण नष्ट कर दियागला परे से प्रेस बृत्ति रखुछन्ती राष्ट्र गृहमंत्री रखुछन्ती गृहमंत्री यह संदेह सृष्टि करुछि बोली अभियोग करिछि दल जो तदंत जो हत्याकांडर तदंत पुलिस विभाग करुची जो विभाग गृह विभाग अधीन अच्छे सबुठ बड़ आश्चर्य विषय हूँ घटना घटी जबार एत दिन बीती गला गृह विभाग रे
गृह विभाग दायित्व में गृह राष्ट्र मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र विरुद्ध गणमाध्यम परिवार वर्ग स्थानीय बासिंदा सबु जगार अभियोग घटना सहित जहाँ संपृक्ति अच्छी बोली समस्त को स्पष्ट जे गृह राष्ट्रमंत्री संपृक्ति अच्छी किभली भाव निरपेक्ष तदंत हम ओडिशा प्रदेश युवक कांग्रेस पक्षर पुलिस महानिर्देशक कार्यालय घेराव करागला आम पुलिस महानिर्देशक भेटिलु आम दाबीपत्र देलु 72 घंटार अल्टिमेटम देलु एवं गत काली जो दाबी आमर थिला पुलिस महानिर्देशक पाखरे कि कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र जे गृह राष्ट्रमंत्री तुरंत गिरफ कर तदंत परिसरभुक्त करंतु। बड़ खबर आसी पहुंचुची। नवेम्बर मास पई आसला कोविड गाइडलाइन। राज्य में राति 10 रु सकाळ 5 टा जाए बलवत्तर रहिबो नाइट कर्फ्यू। सकाळ 5 रु राति 10 टा जाए सबु दुकान बजार खुला रहिबो। परवर्ती समय रे दीपावली पे आसिबो स्वतंत्र गाइडलाइन। बड़ खबर जा वर्तमान समय आसी पहुंचुची। नवेम्बर मास पई राज्य सरकार जारी करिसेंती गाइडलाइन। राज्य में राति 10 रु सकाळ 5 टा जाए नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। दिव्यज्योति महांत्या प्रतिनिधि अछंती अधिक सूचना पे। दिव्यज्योति, नवेम्बर गाइडलाइन रे कौन सब उल्लेख रही? देखो अपूर्व निश्चित भाव में जो अपेक्षा करा नवेम्बर मास गाइडलाइन राज्य सरकार कौन आने विशेषकर जेहेतु दीपावली आउ कम दिन रहा 4 तारीख दीपावली रही पूर्व समस्त लक्ष्य था समस्त सबु लोक चाहे बसले दीपावली राज्य सरकार स्पेसीफिक कौन नियमावली आहेतु पूर्व कोर्ट राज्य सरकार सब निष्पत्ति ना छाड़ किंतु यार भितर राज्य सरकार बा एसआरसी पक्ष जो गाइडलाइन जारी कराई से स्पेसिफिक एक गाइडलाइन दीपावली समय बाण फुटा कि नहीं क्यों प्रकार बाण फुटा तापाई गोटे स्पेसिफिक गाइडलाइन अणाजी अंपटे आप देखिए जो अक्टोबर मसरे जो गाइडलाइन रहा से किसी विशेष परिवर्तन करा जाए नहीं सही भली नियम को बलवत्तर रखाई कहुची जे आप राति 10 समय सहरांचल गुड़िक राति 10 परठू सकाळ 5 पर्यंत नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो एवं कोनोसी जगार सप्ताहांत शटडाउन नाही एकथा मध्ये कहुची ता सहित कहुची सकाळ 5 रु राति 10 पर्यंत आपण दुकान बजार शॉपिंग मॉल एसब खोली पारिबे एवं जो पूर्वरु सामाजिक कार्यक्रम हेउ बा सामाजिक धार्मिक एभली जो रिलीजियस प्रोग्राम थिला सेगुडीक पूर्व नियम अनुजाई करा जिवो बोली कहुची निहाति भाव में पूर्व नियम को किभली बलवत्तर रखा जाय पारिबो एवं लोक माने किभली समागम न होबे तापरे सरकार ध्यान देखते जेहेतु वर्तमान समय रही आमको आउ एक दिन सतर्कतार चलवाक पड़ो से एक गाइडलाइन एक मास लागू करापर आसंता कालीठू डिसेंबर 1 तारीख पर्यंत यही नुआ नियम लागू हेबो परवर्ती समय जदि निहाते आवश्यक पड़े ताहले चेंज करा जिवो एथरे परिवर्तन करा जिवो बोली नुआ गाइडलाइन में कहा जायछि। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि। तमाम अपडेट देउथले जे नवंबर मास पई राज्य सरकार जारी करिसेंति गाइडलाइन। पूर्ववत राति 10 रु सकाळ 5 टा जाए नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो। सकाळ 5 रु राति 10 टा जाए सबु दुकान बजार खुला रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति आपनको तमाम अपडेट। प्रथम रु सप्तम श्रेणी पिलांक पई खूब शीघ्र खोली पारे स्कूल। दीपावली परे जेकोनोसी समय रे सरकार ए संपर्क रे निष्पत्ति नै पारंती। आज विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास ए सूचना दैछंती। से कहिछंती जे कोरोनार तृतीय लहर आसीबा संभावना कमी कमी आसलानी। अष्टम रु दशम श्रेणी पर्यंत पाठपढ़ा स्कूल रे हेउची तेणु प्रथम रु सप्तम श्रेणी पिलांक पई मध्य स्कूल खोलिबाकु सरकार तुरंत निष्पत्ति नेबे। दीपावली परे जेकोनोसी समय रे सरकार एने निष्पत्ति नै पारंती। एपर्यंत किसी से पर्यटन विचार कराए ना आम आशा करूँ तुरंत किपर भाव में खोल जापर पिला कथा जेहेतु कोरोनार तृतीय लहर कथा संभावना टी कमी कमी आसे तेणु अलरेडी 8 रु 12 तो खोला जारी अच्छी तेणु आम निश्चित भाव में सरकार तुरंत विचार करेंगे ये संपर्क में किपर भाव में खोल जापे आशा करवा दिवाली पर आट एनी मोमेंट से सरकार गोटे निष्पत्ति ने मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे। पुणी पदारे पड़ा कमिश्नरेट पुलिस अपारगता। केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री को सुरक्षा देवारे विफल है कमिश्नरेट पुलिस। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था थाई भी केमिति है केन्द्रमंत्री अंडामाड़ ताकु ने उठी प्रश्न।
ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଅପାରଗତା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ବି କେମିତି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼। ଆଉ କେମିତି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯୁବକ? ଖୋଦ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପରି କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଥିଲା ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା? ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲାଣି କି ଆକ୍ସନ? ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ କେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନପାରିବା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କି? ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା? ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଏପରି ହୋଇଛି କି? ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବରଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ନ ହୁଏ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ତାଗିଦ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଚାଟିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ପାରାଦୀପରେ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସମବାୟ ସ୍କାମ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛି ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଳ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ମହାଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ପାରାଦୀପରେ ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଲୁଟି ନେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସମବାୟ ବିଭାଗର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଳ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଘୋଟାଲା। ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନିଜ ପେଟରୁ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଦାନା କାଟି ଗରିବ କୃଷକଟିଏ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଉକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀ। ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ହରାଇ ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାନ୍ଦୁଛି କୃଷକ। ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ନା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନିରାଶ। ଅରୁଣ ସାହୁ ଯଦି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯଦି ଆମର ଖୋଦ ହେଇକି ଆମର ଯଦି ଏମିତି ହବ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନା। ବଡ଼ ଧରଣ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକିରି ତାକୁ ଚପେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ହେଇଛି, 65 ଇନକ୍ୱାରି ବି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିସାରିଛି। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଏଠି ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ପଇସା ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗର କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଠଗଡ଼ରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତିବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ କେଳେଙ୍କାରୀ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରଇନପୁର ସହ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
यूपी रे दलीय बैठक रे प्रधानमंत्री को केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रशंसा। मोदी का सरकार समय रे गरीब लोकों को सर्वाधिक गुरुत्व दि जाऊथवा कहिसेंति धर्मेंद्र। विभिन्न क्षेत्र मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी बैठक में जोग देते केंद्रमंत्री। देश में चाषी हित और उन्नति समर्पित मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार समय रे गरीब लोकों को सर्वाधिक गुरुत्व दि जाइए एवं समस्त जनकल्याणकारी योजनार सबुठ अधिक लाभ गरीब लोकों को मिले। रविवार उत्तर प्रदेश हाथरस ठारे ब्रुज क्षेत्र मंडल अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी बैठक में जोगदे एक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो कि गरीब कल्याण योजना, बीजेपी सरकार रे समस्त जनकल्याणकारी योजनार लाभ सबुठ अधिक गरीब लोकों को मिले। कोरोना समय लोक आवश्यक खाद्य प्रदान करा आर्थिक सुविधा और अन्यान्य सहायता जोगाय दि जाइए। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जनता एक ईमानदार चिंतनशील सरकार दमदार काम को अनुभव कर। सेपरी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती अवसर में श्रद्धांजलि जणाइले केन्द्रमंत्री। देशवासी को राष्ट्रीय एकता दिवस शुभकामना जणाइछन्ति केन्द्रमंत्री। जनता पार्टी पिछले कई चुनावों में उत्तर प्रदेश की आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, उसके कारण देश में तथा राज्य में हम सुशासन और सेवा करते आ रहे हैं। अगले साल प्रारंभ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चुनाव होगा, पार्टी उसकी तैयारी में जुटी है। दो दिन पहले पार्टी की यशस्वी नेता देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी एक प्रकार से इस अभियान का लखनऊ से शुरुआत किया है। 4 करोड़ सदस्यों के आधार पे उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा मत को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इकट्ठा करना इसकी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पार्टी ने लिया है। समाज के सभी वर्गों को जुड़ते हुए एक कानून की व्यवस्था की राज और गरीब कल्याण ऐसे विषयों को आज हम स्थापित कर पाए हैं, उसको संगठन के कार्यकर्ताओं के आधार पे नीचे तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू की गई है।